बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी MM न्यूज़ के साथ रावलपिंडी से हाजिर खिदमत है। फूड पॉइंट के वो खड़े हैं, इनसे भी इस हवाले से जानेंगे। हसन भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह आपने एक सिलसिला जारी रखा और ये अल्लाह ताला आपको तफीक दे, तो इसकी क्या वजह थी, कैसे दिल में ख्याल आया कि यार ये मैं इस वक्त लॉकडाउन भी है और उम्दा खाना और कम कीमत पर दूँ? अस्सलाम वालेकुम जी। बस ये जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमने एटलीस्ट 3 महीने हो गए तकरीबन, हमने शुरू के 2 महीने ये बंद रखा है, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी कस्टमर्स की कॉल्स आई, बहुत परेशानी उनको हुई। तो हमने ये सोचा कि अब जो कि आफ्टर गवर्नमेंट डिसीजन के हम टेक अवे और डिलीवरी होम डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, तो जब से हमने खोला है ये डिलीवरी और होम तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कस्टमर को, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है लॉकडाउन में कि वो कहाँ से खाना पड़ कहाँ से मिले उनको। तो हम माशाल्लाह से स्टार्ट कर दिया और अच्छा रिस्पॉन्स है, और हमारी ये फूड क्वालिटी है कि हम लो कॉस्ट एक तो ये फूड हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और हमारी वैरायटी जो स्पेशलिटीज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, लूपी फ्राइज़ हैं, जो फ्राइज स्पेशलिटीज़ हैं, बर्गर्स भी हैं, तो कस्टमर्स बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि उनको अच्छी प्रोवाइड जहाँ से हम लोग सर्विस दे रहे हैं। हसन भाई, क्या वजह है, हम देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से गाड़ियों पर स्पेशली इस्लामाबाद से लोग आपके पास आते हैं, क्या वजह इसकी? वजह यही है कि हम लोग, मैंने बताया कि क्वालिटी हम मेनटेन की हुई हमने, ठीक है, हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं कस्टमर्स को, और हमारी दूसरी जो ब्रांचेज हैं हमने सर्विस हमने और क्वालिटी मेंटेन करी हुई है, तो कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड हैं। सो बहुत अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह से फेसबुक वगैरह पे भी, तो कस्टमर दे आर हैप्पी, दे आर कम टू ईट इन आवर रेस्टोरेंट आवर केओस्क, सो वी आर वेरी हैप्पी टू सर्व इट। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं हसन भाई, कौन कौन सी जगह पे माशाल्लाह शहर में और ब्रांच? हमारी बहरिया टाउन्स में हैं, डिफरेंट फेसेस में, कराची में भी हैं और पिंडी में भी हैं 2 ब्रांचेज, और वी आर ओपनिंग फर्दर इन कमिंग आफ्टर लॉकडाउन इंशाल्लाह। आपको पता है ये चैनल भी कराची के ही है? जी जी, कराची के। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कराची बट आई एम सेटल इन इस्लामाबाद। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये भी कराची के ही रहने वाले हैं, और ये चैनल भी हमारा जो है ये कराची का ही है, और कराची वाले यकीनन खाने बड़े मज़ेदार बनाते हैं, और इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रहेगी। इससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि हसन साहब का तलक भी कराची से है, और हसन साहब जो है ये बिल्कुल फूड क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं करते। इन्होंने यहाँ अपने स्टाफ को कह दिया, अभी भी हम देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो फ्रेश बन रही हैं। असल में जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर चीज़ जो है वो फ्रेश बना के दी जाती हैं। तो नाज़रीन, आज ये तमाम चीज़ें आप बराह रास्त देख रहे थे कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अच्छी और उम्दा क्वालिटी की कम कीमत में भी आज भी दस्तियाब हैं, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह पार्टीज़ के लिए आर्डर भी होते हैं, टेकअवे भी होता है। और चूंकि यहाँ पे अब खा तो नहीं सकते, SOPs ऐसी हैं लॉकडाउन के दौरान, लेकिन मोस्टली लोग आते हैं और टेकअवे करा के ले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था फूड पॉइंट पर, फास्ट फूड पॉइंट पर। तो इसी के साथ रावलपिंडी शहर से सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।